जाहिर केलेला आहे राखीव खेळाडू असं बघा त्यांचा 12, 13 आणि 14 आपण प्लेयर त्यांच्यासाठी 500 रुपये असतील तर अतुल स्वप्नील 500 रुपये घेऊन जाताना अतुल त्याला द्या मॅचला सुरुवात झाली साहिल साठी 500 रुपये ओके पहिला बॉल डॉट कीर्ती 11 रोशन साई स्पोर्ट्स चिंद्रन आणि त्यांच्या विरोधात दिलेलं तर करण कडू चिंद्रन निखिल खेरनेकर प्रणय कडू आणि सागर पाटील यांचं आगमन झालेलं आहे यावर व्यासपीठावर आपलं स्वागत आहे मायरा मायरा 11 जय हनुमान नावडेवी यांच्या विरोधात हा मॅच आपण पाहतोय पहिला बॉल डॉट त्यानंतर मात्र पुन्हा सिंगल व्हाइट बॉलच्या स्वरूपात आलेली एक धाव बघा मागच्या मॅच मध्ये बक्षिसांची खूप खैराट वर्षा झाला होता अर्थातच नितलस टीम वर संग्राम 11 नितलस संघ 2 सामने विजयी झालाय यस खूप चांगला झेल बघा अप्रतिम जीवाची परवाही केली जात नाहीये हा क्रिकेट खेळला जातोय गावासाठी आणि त्याचबरोबर आपल्या नावासाठी आणि विकेट क्रमांक पहिली नावडे टीमला मिळतोय धक्का बोला जय ऑन स्ट्राइक यस व्हेरी गुड डिलिव्हरी व्हेरी गुड डिलिव्हरी तेजस चिंद्रन टीमचा हा उस्मान म्हणून त्याला ओळखलं जातं तेजसला काय गोलंदाजी करतोय बघा ज्या पद्धतीनं 3 बॉल फेकून झालेत आणि एकच धाव खर्च केली आहे ती देखील वाईट बॉल अतिरिक्त म्हणजे अवांतर धाव फक्त आली आहे नवड्या टीमला प्रशांत खानावकर ऑन स्ट्राइक हा भिरकावून दिलाय प्रशांत खानावकर थांबणार नाही वाईड डीप मिड विकेटला ठोकतोय प्रशांत या बॅट मधून आलेला हा खणखणीत षटकार बघा 2 बॉल आमचे अगदी हरवलेत प्रशांत कणावकर खूप लांब लचक षटकार टोकतोय म्हटलं की महेश मात्रे नॉन स्ट्राईकला आहे त्याला विचारलं होतं की तुझा गुरु कोण आहे त्यावेळी त्यांनी कमांड दिली होती की आमच्या गावातील प्रशांत कणावकर हा माझा गुरु आहे म्हणजे एका बाजूला चेला आणि गुरुचं हे दगड तर बॅटिंगच्या स्वरूपात आपल्याला जोडी पाहायला मिळते परंतु तेजसवर थोडंसं मानसिक दडपण आलं असेल कमबॅक करावं लागेल धावसंख्या 13 लागली आहे लास्ट बॉल आहे हा जर चांगला बॉल फेकला खरं तर गोलंदाज तेजसनं तर मी म्हणेन जरी 2 षटकार आले असले तरी पहिला ओव्हर जो आहे पॉवर प्लेचा
तो खरतर चिंद्रन टीम साठी चांगला असेल, परंतु या बॉलवर काय घडेल, या बॉलवर काय घडेल, त्याचं उत्तर मिळालंय प्रशांत खानावकरच्या बॅट मधून। आलेला सलग तीसरा षटकार। अनिकेत कोहली ज्यानं बॅक टू बॅक तीन षटकार ठोकले होते याच मैदानावर आजच्या रात्रीमध्ये, आणि हा दुसरा फलंदाज प्रशांत खानावकर ज्याने सलग तीन षटकार ठोकलेत, म्हणजे हा विक्रम राहिला आजच्या रात्रीमध्ये दोन खेळाडूंच्या नावावर, अनिकेत कोहली आणि प्रशांत खानावकर। व्हेरी गुड बॅटिंग। चेंडूची पूर्तता करा बघा, ज्या पद्धतीने आपण बघितलं तर तीन चेंडू मैदानात फेकले गेले होते आणि त्यामध्ये प्रशांत खानावकरनं तीन बॉल अगदी नदीमध्ये विरकावून दिलेत। चिंद्रन नदी आपण पाहतो, चिंद्रन गावच्या बाजूनं वाहणारी नदी, आणि मात्र ही अगदी गावदेवी क्रीडांगणाच्या अगदी बाजूला असणाऱ्या त्या नदीमध्ये तीन बॉल प्रशांत खानावकरनं तीन षटकार जे ठोकले ना, तिन्ही चेंडू अगदी गायब केलेत। हां, तर आज भरपूर चेंडू मिस होतील, आणि आमची आयोजक पूर्णपणे तत्पर आहेत किती चेंडू लागू, त्या चेंडूची पूर्तता करा। संघाची धावसंख्या 19, पहिला ओव्हर समाप्त झाला, मात्र महागडं षटक राहिलं तेजस पाडेकर या गोलंदाजाचा चार्ज। मॅच बॉल आलेला आहे तर नक्कीच तो घ्या आमच्या आयोजक कमिटीच्या वतीनं। आता आपण जे आमचे ऑलिंडर्स असतील किंवा प्रेक्षक असतील ना, त्यांनी खूप चांगलं सहकार्य केलं आहे। चेंडू तुम्हाला आणलेला आहे तर लगेच मॅच सुरू करा। जिथे मात्र दुसऱ्या षटकाला सुरुवात होईल, विघ्नेश गोलंदाज येतोय। विघ्नेश कमबॅक करून देईल का आपल्या गोलंदाजच्या माध्यमातून? स्ट्राईकला आता बॅट्समन महेश म्हात्रे, चेला गुरुचा चेला आता बॅटिंगला येतोय, की त्यांनी देखील आडव्या बॅटने खेळला। क्षेत्ररक्षक आहे त्या ठिकाणी, खूप चांगले क्षेत्ररक्षण। कमबॅक करावं लागेल चिंद्रन टीमला, कारण पहिल्याच ओव्हरमध्ये खूप चांगली धावसंख्या रचली आहे। मायरा स्पोर्ट्स जय हनुमान नावडे टीमनं 20 धावा धावफलकावर लागल्या, षटक सुरू आहे दुसरं। आजच्या दिवसामध्ये आपण विचार केला तर सर्वाधिक धावसंख्या देखील पाहायला मिळाली, खास करून मी टीम उल्लेख करेल महेश स्मृती मोहा कोलीवाडा। फुल्लर लाईनचा बॉल, फुलटॉस बॉल, काय बॅट देखील तेवढ्याच वेगानं प्रशांत खानावकरनं फिरवली होती, परंतु बॅट आणि बॉल याच्यामध्ये तालमेल, यांच्यामध्ये संपर्क प्रॉपर झाला नाही, कारण बॉल देखील वेगवान होता गोलंदाज विघ्नेशचा, आणि तेवढ्याच वेगानं प्रशांत खानावकरनं बॅट देखील फिरवली होती। हा चांगला बॉल, हा चांगला बॉल आहे, वेगवान आहे, त्याचबरोबर खोलवर पद्धतीचा बॉल, डॉट बॉलची समाप्ती। विघ्नेश नामक गोलंदाज कमबॅक करतोय, मागचा षटक जो महागडा ठरला होता खरं तर तेजस पाडेकरचा, तो वसूल किंवा त्या षटकामध्ये कमबॅक करण्याचा प्रयत्न आपल्या संघामध्ये करतोय हा गोलंदाज विघ्नेश। हा चेंडू विरकावून दिला क्षेत्ररक्षक आहे, व्हॉट अ कॅच, आता मात्र जबरदस्त झेल टिपला आहे रोहन पाडेकरनं, टिपलेला हा झेल आणि समाप्त केलाय एका बिग बॅट्समन प्रशांत खानावकरचा हा खेळ। योगार गार थंडीचा महिना।
टाकणावकराला त्याने सिंगल रन कंप्लीट केली एका धावेच्या मदतीनं. संघाची धावसंख्या धावफलकावर पाहायला मिळते ती 21 रन्स. 21 धावा धावफलकावर. षटक क्रमांक दुसरं सुरू आहे. गोलंदाज विघ्नेश. हा चेंडू यष्टीरक्षण खूप चांगलं झालंय बघा. तिथे मात्र कम्मालीचं षटक. षटक आवडलं असेल तर एकदा जोरदार टाळ्या होऊ द्या. विघ्नेशनं काय कमबॅक करून दिलंय बघा. पहिल्या ओव्हरमध्ये धावा होत्या 19, या षटकामध्ये फक्त 2 धावा. व्हेरी गुड बॉलिंग. जबरदस्त गोलंदाजी. व्हेरी गुड कमबॅक करण्याचा प्रयत्न, परंतु हा चेंडू ऑफ स्टंप सोडून बाहेर निघतोय. सुनील पाटील सरांना तर इशारा आलाय, अर्थातच व्हाईट बॉलचा अतिरिक्त एक धाव मिळते. जावेद फरीद सर आणि सुनील पाटील सर खरंतर ही आपल्याला जोडी सातत्यानं प्रत्येक स्पर्धेमध्ये देखील पाहायला मिळते. पंचांच्या भूमिकेत त्यांचं देखील करूया कौतुक. आणि संघाची धावसंख्या 22 या आकड्यावर पाहायला मिळते. 2 गडीबाद झालेत. षटक सुरू आहे तिसरं. लेफ्ट आर्म बॉलर लाऊड फील, परंतु इथे काय घडलं बघा. राम पाटील न कव्हर केलं आणि तिथे आणखी एक विकेट उमेश खानावकरला परतावं लागलं धावचीच स्वरूपात. पाहतो नावडे विपक्ष चिंद्रन आणि या संघातून जो संघ विजेता ठरेल. यापूर्वी संग्राम इलेव्हन क्रिकेट संघ निथलस क्रिकेट संघाने 2 सामने जिंकलेले आहेत. म्हणजे ज्या संघाच्या नावावर 2 विजेता जे संघ ठरतील, ज्या संघाच्या नावावर धावांचा उच्चांक आहे, तो संघ मात्र तिसऱ्या फेरीमध्ये दाखल होणार आहे. डेफिनेटली मागुरू. SMG ग्रुप नावडे यांना ही विनंती आहे की आपण कृपया व्यासपीठावर येण्याची कृपा करावी. SMG ग्रुप नावडे आपलं सहज स्वागत आहे बघा. गावदेवी चषकामध्ये तुम्हाला आमंत्रण असेल की आपण व्यासपीठावर येऊन स्थानपन्न व्हावा. मॅचमध्ये आपण बघितलं तर आता तिसऱ्या षटकाला राकेशने जशी सुरुवात केली, राकेश पाडेकर डावखुरा हा गोलंदाज, परंतु फुल्लर लेनचा बॉल, फुलटॉस बॉल, महेश मात्रेनं हेरलं. अंपायर सिग्नल, इट इज नो बॉल. नो बॉल प्लस 4 रन, मिळतील टोटल 5 धावा. मात्र एका बाजूला ओपनर बॅट्समन आता मात्र तळ टोकून आहे, कारण सर्व जबाबदारी या मॅचची पूर्ण जबाबदारी संघनायक महेश मात्रेवर आता असेल. कारण ज्या पद्धतीनं ओपनिंगला येत असताना बघा, महेश मात्रेनं एक चौकार ठोकलाय, परंतु फुलटॉस बॉल फेकला राकेश पाडेकरनं. संघाची धावसंख्या 27, या अगोदर 52 धावा टार्गेट ठेवलं होतं. हा आडव्या बॅटनं यास डोक्यावर फ्लाय झालाय, गेलाय चेंडू सीमा पार, डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग आणि मिड विकेटच्या मधून सीमा पार. येतोय पंचांचा इशारा. षटकार चेंडू द्या. आमचे 2 आयोजक गेले तिकडे चेंडू शोधायला, आलेच नाही अजून.
कोण गेलेत ते नदीत? नदीत कोण गेलेत? अक्षय पाटील. ते चेंडू घेऊनच नाही आले अजून. सांभाळून जा नदीमध्ये, कारण एकदम डेंजर आहे त्या ठिकाणी नदी. आपण पाहिलं तर चेंडू गेले तरी चालतील, परंतु भरपूर चेंडू या मॅच मध्ये जवळजवळ 4 ते 5 चेंडू अगदी पूर्णपणे हरवलेत, आणि नावडे टीमनं खास करून ते चेंडू जास्तीत जास्त हरवलेत. नदीच्या दिशेनं आपण पाहतोय थोडंसं आउटफील्ड खराब असल्याकारणानं नवीन चेंडू दिले गेलेत. हलकस लेटकट लेटकट खेळण्याचा प्रयत्न, तिथे मात्र क्षेत्ररक्षक बॅकिंगला कोणी नाहीये, आणि अशा परिस्थितीमध्ये एक धाव कंप्लीट झाली. फ्लायस्लिपला क्षेत्ररक्षण झालं होतं चांगलं, परंतु एक धावेनं संघाची धावसंख्या 34 या आकड्यावर जाऊन पोहोचलीच. राकेश गोलंदाज राकेश पाडेकर, चिंद्रण विपक्ष नावडे हा मॅच खूप चांगला रंगेल, बॅटल रंगतदार पाहायला मिळेल, कारण विजय वर्सेस विजय संघ अर्थात विनर वर्सेस विनर असा मॅच आपण पाहतोय. यस दांडीगुल त्रिफला चित बाद झालाय फलंदाज, इथे विकेट क्रमांक 34 विपुल मात्रे बॅक टू द गाउट. महेश स्मृती कोळीवाडा 48 धावा, सर्वाधिक धावा मोहा कोळीवाडा संघाला मिळाल्या 48 धावांच्या जोरावर. दुसरा विजय अनिकेत कोहलीच्या टीमला. मात्र या मॅचचा विचार केला तर 4 षटकांचा हा सामना आपण पाहतोय, आणि 35 धावा धावफलकावर लागल्या. षटक तिसऱ्या षटकातला लास्ट बॉल राकेश पाडेकरचा, 35 धावा तिसऱ्या षटकापर्यंत, म्हणजे नावडे टीमची धावसंख्या खूप चांगली आहे. महेश मात्रे ऑन स्ट्राईक, हा देखील बिरकावून दिला, झेला आहे, यस बिहाइंड द कीपर शॉर्ट थर्डमॅनला टिपलाय झेल, इट्स अ बिग विकेट. महेश मात्रे देखील जाईल तंबूच्या श्रेयाला. इलेव्हन इथल्याच टीमच्या नावावर 52 धावा 52 आजच्या रात्रीमध्ये लागल्या गेल्यात. हाय स्कोरला लगेच बाय देखील मिळेल दुसऱ्या विजयामध्ये. लास्ट बॉलर केतन, हा चेंडू शरीराचा वेद घेतला होता या बॉलनं. यष्टीरक्षक आहे त्या ठिकाणी, एक सिंगल मिळेल, आणि या एका धावेच्या मदतीनं धावसंख्या धावफलकावर पाहायला मिळेल ती 36. खूप चांगली धावसंख्येला आला घालण्याचं काम केले. बघा पहिल्याच ओव्हरमध्ये 19 धावा आल्या होत्या, असं वाटलं होतं की आता मात्र नावडे टीम 50 आकडा गाठेल, परंतु तदनंतर मात्र विघ्नेशनं काय षटक फेकलं 2 धावांचं. त्यानंतर मात्र राकेश पाडेकरच्या षटकामध्ये देखील षटकार आला होता. हा चेंडू, यस इथे मात्र हलकासा हाताला लागून चेंडू झालाय डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगच्या दिशेनं. 6 धावांसाठी येतोय षटकार.
या मॅचमध्ये सगळ्यात जास्त चेंडू हरवलेत, 5 ते 6 बॉल अगदी मैदानाच्या बाहेर गायब झालेत, त्याच्यामुळे नवीन चेंडू दिला जाईल सातत्यानं. आणि आजकाल बघितलं तर चेंडू लगेच नवीन दिला जातो, चेंडूंची कमी नाही आज. षटकार आलाय, संघाची धावसंख्या 42, 42 धावांवर 3 बॉल बाकी आहेत. बॅट बरा दललाय, लावडा फील केलाय, परंतु इथे मात्र एकच धाव मिळेल. केतन गोलंदाज आपण पाहू शकाल, एक छोटी रन्स कंप्लीट केले, खेळपट्टीवरच असताना चिक्की रन्स कंप्लीट झाली. संघाची धावसंख्या एका धावेच्या मदतीनं 43 आकड्यावर जाऊन पोहोचली. प्रशांत खानवकर आपण पाहतो, लवकरात लवकर बाद झाला. क्लीन बोल्ड, बॅट्समन आउट, आणखी एक विकेट आणि फलंदाज दुर्गेश विकेट क्रमांक 6 तंबूच्या आश्रयाला. व्हेरी गुड ड्यून, परंतु तेवढा चांगला फटका, डीप फाईन लेगला, व्हॉट ए स्ट्रोक, जबरदस्त फटका, 4 धावांसाठी चौकार मनोहर. जगे यांच्याकडनं बघा, चिंद्रन टीमला खूप खूप शुभेच्छा येत आहेत, त्यांचं हार्दिक स्वागत करूया. परंतु षटकातला लास्ट बॉल, शेवटचा अंतिम चेंडू हवेमध्ये केला, लॉफ्ट केलाय, उंची जास्त लांबी कमी, झेलकाली क्षेत्ररक्षक यस, कॅश टिपलाय विघ्नेशन. आणि पहिल्या सत्राचा खेळ समाप्त 47 या आकड्यावर, मात्र पहिला इथे सत्र समाप्त झालाय. 7 विकेट, 47 धावा, आता जिंकण्यासाठी 48 धावांचं लक्ष, म्हणजे 12.0 सरासरीनं ही धावसंख्या कीर्ती 11 रोशन साई स्पोर्ट्स चिंद्रन टीमला करायची आहेत. आता 48 धावांचं लक्ष असेल, आणि या लक्ष्याचा पाठलाग करण्यासाठी इथे मात्र सज्ज होईल पुन्हा एकदा चिंद्रन टीम.
ताजमहल की कहानी हो गई पुरानी, अब पूरी दुनिया राम मंदिर की दीवानी। और जय श्री राम का नारा 22 जनवरी को भारत पूरे विश्व में सबको सुनाई दिया। और जय श्री राम का धुन डीजे मास्टर ने यहाँ पर प्ले किया। डीजे रोहित के साथ डीजे प्रशांत भी जुड़े, दोनों का हार्दिक स्वागत है। आइए विनर विनर का दूसरा मुकाबला, आज के रात का ये सातवां मुकाबला चल रहा है सुधीर अगलावे। और सातवें मुकाबले में पहली पारी खेली नावडे टीम ने, कीर्ति 11 रोशन साई स्पोर्ट चिंद्रन के खिलाफ। और जय हनुमान, नावडे टीम का टोटल बना स्कोरबोर्ड पर 47 रन। जीत के लिए चाहिए रोशन साई स्पोर्ट चिंद्रन को कीर्ति 11 48 रनों की आवश्यकता। वल्लभ के न्यू सौरभ मोटर्स के बजरंग मात्रे जो ओनर है वो इस टीम के पैकर है। बजरंग मात्रे आइए, आपका भी स्वागत है इस मंच पर। और ऑपोजिट में आप देख सकते हैं जय हनुमान नावडे, 48 रन चार ओवर में, 12.00 के औसत से चिंद्रन टीम को रन चेस करने। चिंद्रन के कई दर्शक ये मुकाबला देख रहे, नावडे के भी कई दर्शक यहाँ पर आए। तलुजा एमआरडीएस की दो ताकतवर टीमें दोस्तों, और जब नजदीक की टीमें आती है तो इनके दर्शक जरूर आते हैं मुकाबला देखने के लिए मैदान में। बोथ द टीम ऑल द बेस्ट, शो द गुड क्रिकेट। साहिल खाडोकर पहली बॉल को उसी रफ्तार से फेंक दिया मिड विकेट पर, मस्तक पे दस्तक, 6 रनों के लिए करारा स्ट्रोक। किए तकदीर पाडेकर और केतन कडू ने, तकदीर तैयार। अगली बॉल, ओ जगह बनाई, रूम बनाया, एक अलग अंदाज में स्ट्रोक खेला था, जीबो गरीब शॉट, विकेटों के दूर बाहर निकल के शॉट खेल रहे थे। लेकिन साहिल खानावकर वो चालाक गेंदबाज है, उन्होंने लेंथ को थोड़ा बदल दिया और वेरिएशन का इस्तेमाल किया। 42 रनों की दूरी, जीत के लिए 48 का टारगेट। मैच ऑन, रोमांचक मुकाबला, टॉप एज, ओ व्हाट अ मैच, कैच ऑफ द मैच, प्रथम एज खानावकर, कैच ऑफ द नाइट, सुपर कैच, सुपरमैन, मानो समुंदर में गोता लगाने वाली कोई नाव हो इस तरीके से कैच लपका। एक्शन रिप्ले में देखिए, और ये प्रथम एज खानावकर फ्लाई स्लिप, और इसे फ्लाई स्लिप क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये फ्लाइंग होती है और फ्लाइंग कैच। प्रशांत ये खुश है और प्रशांत खानावकर सेलिब्रेट कर रहे मोमेंट, सबसे बड़ी विकेट। पुराने पिछले साल की यादें ताजा हो गई, जब बाइक मिले थे उसाड़ने के मैदान पर एज अ कॉमेंटेटर, वो काफी अच्छा दिन था मेरे लिए और अभी तक वो नहीं भूल सकते। वही गाना एकनाथ जमाली साहब ने वहां पर रिकॉर्डिंग किया था और जरूर मुझे भेजा रिवॉल्व मात्रे सर, और काफी बढ़िया उन्होंने गाया, काफी अच्छे लफ्ज है उनमें। 21 गेंदों पर 42 चाहिए, तकदीर पाडेकर आउट हुए, अब मैदान में लेफ्टी बैटर आ चुके हैं राकेश पाडेकर, एक और पाडेकर लॉट किया है मिड ऑफ के ऊपर से, उमेश खानावकर गेंद के पीछे, आउटफील्ड का चमत्कार है और उस आउटफील्ड के नतीजे में तीन रन भागे चिंद्रन ने। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, एक बॉल पे अगर तीन चाहिए और इस तरीके का नजारा दिखे सुधीर अगलावे तो क्या करेंगे फील्डर। तीन मुकम्मल हुए साहिल खानावकर के ओवर में, पहला छक्का लगा, उसके बाद स्कोरबोर्ड पहुंचा 9 रनों पर, 20 गेंदे 39 चाहिए। व्हाट अ मैच, कौन बनेगा जीत का शिल्पकार, क्या साहिल खानावकर करेंगे कमबैक, तकदीर को तो आउट किया लेकिन अब केतन कडू बचे, टीम के सबसे बढ़िया खिलाड़ी द बाइकर मैन केतन। अगली बॉल,
स्क्वायर कट करने की कोशिश चपराक लगाने थी, गेंद बल्ले का संपर्क नहीं है, अलग ही अंदाज में खेलने का शॉट तरीका था। इस बार डॉट बॉल, साहिल खानावकर यंगस्टर और ये नावडे का भविष्य है, आगे चल के ये बेहतरीन गेंदबाज ऑलराउंडर बनेंगे, नो डाउट। मंजे हुए गेंदबाज है साहिल खानावकर, चतुर बॉलर। बैटकर थर्ड मैन को बीट किया, इस बार नहीं रोक पाए, आउटफील्ड तेज, बॉल निकलती हुई थर्ड मैन सीमा पार, चाइना कट, लेमन कट, चार रन। पहला ओवर का खेल समाप्त हो गया और टीम चिंद्रन का टोटल बनता हुआ 13 रन एक विकेटों के नुकसान पर। पहली बॉल 6, आखिरी बॉल 4 और बीच में 3 रन जो आपने देखे मिड ऑफ पर, 13-1। ये देखिए आखिरी बॉल चाइना कट केतन कड़ू के द्वारा, पिछली गेंद पर यही स्ट्रोक खेलने की कोशिश थी और इस बार प्रतिमश को बीट किया थर्ड मैन सीमा पर, 4 रन। समीकरण की बात करें तो 48 का टारगेट था, 12.00 की औसत थी और उसी औसत से यहाँ पे अच्छा खेल करते हुए कीर्ति 11 रोशन साई स्पोर्ट चिंद्रन। 3 ओवर 35 रन चाहिए, मुकाबला बैलेंस है 50-50, विनिंग परसेंटेज चिंद्रन के पास 50 है, नावडे के पास 50 है, यानी दोनों को मौका होगा। ओवर नंबर 2 बॉलिंग ट्रैक पर प्रशांत खानावकर जादुई गेंदबाज है, कहते हैं 6 गेंदे अलग अलग फेंकने वाले गेंदबाज है, ताकतवर उनके सामने बल्लेबाज है राकेश पाडेकर, वो भी काफी मंजे हुए बल्लेबाज है। फील्डिंग परिवर्तन कर रही है, मिड ऑफ मिड विकेट लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ डीप स्क्वायर लेग सर्कल से दा बाहर, 5 खिलाड़ी 30 गज के बाहर और 30 गज के अंदर 6 खिलाड़ी है, स्लिप के लिए 3 एक विकेट कीपर, बोलो तैयार। 3 ओवर 35, व्हाट अ मैच, तलोजा एमआरडीसी की दो ताकतवर टीमें और जब दो बड़ी टीमें एक दूसरे के सामने आती है तो मुकाबला रोमांचक होता है, जहां पे विस्फोटक खेल देखने मिलता है आपको। पहली बॉल, ओ प्रशांत खानावकर, इस बार पहली बॉल वेरिएशन का इस्तेमाल, चेंज ऑफ स्पेस, ओवर पिच बॉल, रफ्तार से बीट किया, पहली बॉल 0, राकेश पाडेकर डॉट बॉल बीट होते हुए, गेम ऑफ प्लानिंग सस्ती हुई मैदान में। क्रिकेट इज अ गेम ऑफ जेंटलमैन, यू प्ले लाइक जेंटलमैन, प्ले द नेचुरल क्रिकेट। प्रीतम म्हात्रे नावडे यांना विनंती आहे की आपण व्यासपीठावर येण्याची कृपा करावी, आमचे भूषण पाटील आपणास विनंती करीत आहेत, प्रीतम म्हात्रे यावं आपण व्यासपीठावर। किफायती गेंदबाजी नो डाउट, प्रशांत खानावकर अपील है बड़ी और यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग, केतन कड़ू ध्यान नहीं था राकेश पाडेकर का, शायद उन्हें नहीं दौड़ना चाहिए क्योंकि राकेश पाडेकर अपील पे चर्चा कर रहे थे और केतन कड़ू ने बिना देखे रन अप लिया, उसका नतीजा यही निकला कि यहाँ पे बल्लेबाज राकेश पाडेकर का यहाँ पर विकेट आता हुआ। रोशन कडू यांच्याकडनं पारितोषिक आलंय बघा, केतन कडू यांना दर 2 षटकार ठोकले, बॅक टू बॅक 2 षटकार, तर रोशन पालेखुर्द रोशन कडू यांच्याकडनं 1,000 रुपयाचं बक्षीस। अंपायर कॅच आउट या रन आउट वो निर्णय सोपी, यहां पर बल्लेबाज तो बाहर चले गए लेकिन कई दर्शक ये सोच रहे, सवाल है उनके जहन में कि राकेश पाडेकर ये बैट आउट कैच आउट हुए या रन आउट हुए। रन आउट, यस इट्स अ रन आउट। अब नए बल्लेबाज आएंगे बैटिंग के लिए, विघ्नेश देशेकर, पिछले मुकाबले का मैन ऑफ द मैच, 16 बॉल 35 चाहिए, सफर लंबा है, मंजिल दूर है लेकिन रास्ते पैरों के नीचे है, मंजिल चाहे कितने भी लंबी हो रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं और यहाँ पे रास्तों पे चलना है दौड़ना है उड़ना है, ये केतन कड़ू को सेट करना होगा।
खिताबी जंग, तलोजा एमआरडीसी की दो बड़ी टीमें अब बैटल होगा प्रशांत खानावकर के खिलाफ। केतन कड़ू अनुभव खिलाड़ी, अनुभवी, स्लोवर वन, धीमी गति की बॉल फंसाया केतन कड़ू को, गति परिवर्तन, चेंज ऑफ स्पेस, ये जादुई गेंदबाजी है प्रशांत खानावकर की। कभी तेज धीमी स्विंग कटिंग बॉल इनके अकाउंट में हमेशा होती है, इनके पिटारे से कई गेंदें निकलती है। यॉर्कर भी इनके पिटारे में है जी, बिल्कुल शानदार गेंदबाजी, परिणाम गेंदबाजी का सर्वश्रेष्ठ है। और ये रफ्तार से गिरफ्तार करते हुए प्रशांत खानावकर, मैच ऑन, मुकाबला वन साइड धीरे धीरे हो सकता है। ये डॉट बॉल बता रही है टीम चिंदन पे प्रेशर है, 14 बॉल 35 चाहिए। धीमी गति की बॉल, ऑफ कटर, ज्यादा टर्न, स्विंग हुई, अंपायर जावेद परिसर, वाइट बॉल, इशारा आता हुआ, खराब गेंद का, 14 बॉल चाहिए 34। मैच ऑन, ये दो बॉल इंपॉर्टेंट है केतन कड़ू के लिए, टीम चिंद्रन के लिए, क्योंकि दो पाडेकर बंधु आउट हुए, अब केतन कड़ू के साथ है विघ्नेश देशेकर, अभी नहीं तो कभी नहीं। बिल्कुल प्रवीण, यहां से दो छगे लगाता तो रोशन कड़ू की ओर से 1000 रुपए का इनाम। बैट कर टप्पा बॉल विकेट कीपर के हाथों में, वाटर बॉलिंग परफॉर्मेंस, तालियां बजते हुए प्रशांत खानावकर, रायगढ़ ग्रामीण टेनिस बॉल क्रिकेट को उपाध्यक्ष है और इन्हें क्रिकेट का बहुत बड़ा अनुभव है। सुपर गेंदबाजी, आरपीएल पीपीएल में इनका धमाका हमेशा हमने देखा है, एक्सप्रेस डिलीवरी, फास्ट एंड फ्यूरियस, धीमी तेज, हर तरीके का तरीका तरकीब इनके पास है गेंदबाजी का। अगली बॉल आउट, स्विंगर बॉल, ऑफ स्टंप के दूर, दिशाहीन, वाइट बॉल, दो वाइट बॉल के साथ 8 गेंदों की लंबी ओवर करेंगे, 13 बॉल 33 चाहिए। इस ओवर की बात करें तो 5 गेंदों पे प्रशांत खानावकर ने रन दिए महज 2 रन, 2 वाइट बॉल, बल्ले से 1 भी रन नहीं दिए, सुपर बॉलिंग परफॉर्मेंस। मैच ऑन, आखिरी बॉल, यॉर्कर गिरी है सामने, लॉन्ग ऑफ पर जाएगी, एक्स्ट्रा कवर पे फील्डर, 1 रन, 6 बॉल 3 रन, तालियां बजनी चाहिए प्रशांत खानावकर के लिए, कमबैक मोमेंट फॉर जय हनुमान नावडे, इट्स ब्यूटीफुल बॉलिंग परफॉर्मेंस, इंप्रोवाइज, 3 रनों की ओवर, और यहां से 12 गेंदों पे रन आए 16, अब 12 पे चाहिए 32, 1 ओवर 16 का अस्किंग रन रेट फॉर टीम कीर्ति 11 रोशन साई स्पोर्ट चिंद्रन। हजार रुपयाचं बक्षीस दिलं जाईल। रोशन कडू मोटिवेट करतायत, प्रोत्साहित करतायत खेळाडूंना, 12 बॉल 32 ची गरज। उमेश खानावकर पहिली बॉल, दिशाहीन, अंपायर मुडते हुए, व्हाइट बॉल, 1+1, अब चाहिए 30 रन 12 गेंदों पर, व्हाट अ मैच। किरदार चाहे जो भी हो, कहानी हसीन होनी चाहिए, और वो कहानी बनाने के लिए संघर्ष योद्धा मैदान में आता हुआ विघ्नेश देशेकर, पिछले मुकाबले में गेंदबाजी की ताकत पर मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जीता, अब बल्लेबाजी की ताकत दिखानी चाहिए। कहते हैं उस शख्स को कोई गिरा नहीं सकता जिसे ठोकरों ने चलना सिखाया, और कहते हैं बादाम खा के अक्कल नहीं आती, ठोकर खा के अक्कल आती है। चिंद्रन टीम पिछले ओवर में काफी ठोकर मिली, लेकिन अब उन्हें यहां से बड़े स्ट्रोक खेलने चाहिए। तख्ता पलट करने के लिए विघ्नेश देशेकर तैयार है, क्या होगा तख्ता पलट विघ्नेश का, मैच में कमबैक होगा, क्या आएंगे बड़े स्ट्रोक, क्या चिंद्रन का अस्तित्व बनेगा काउदेवी ट्रॉफी कांटपोली में। 12 बॉल 30 क्लीन बोल्ट, उमेश खानावकर, यूके, यू मिस, आई डेफिनेटली हिट, फर्नीचर डिस्ट्रॉय।
उमेश खानावकर एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स. कृति पाहिजे बडबड नको, ये वो गेंदबाज है, अपने एक्शन से बोलने वाले गेंदबाज है उमेश खानावकर. यूके यू मिस आई डेफिनेटली इट फर्नीचर डिस्ट्रॉय. विघ्नेश देशेकर आउट हुए शून्य पर. अब गेंदे है 11 रन चाहिए 30. मुकाबला समाप्त नहीं हुआ क्योंकि 11 पे 30 चेस हो सकते हैं टीम चिंद्रन. मैच में कमबैक होना चाहिए न्यू बैट्समैन नंबर 5 पे बल्लेबाजी के लिए रोहन पाडेकर. अजय कडू इंजर्ड है, अगर वो होते तो शायद थोड़ा प्लस पॉइंट होता चिंद्रन के लिए, लेकिन आफ्टर इंजर्डमेंट अब उनके लिए थोड़ा मुश्किल बन रहा है. रोहन पाडेकर आए, पानी अगर शांत हो तो गहराई से मजाक नहीं करते. रोहन शांत बल्लेबाज है, आइए उनके बल्लेबाज देखते हैं. बैकफुट पे गए, वो सबसे बड़ी गलती थी. गेंद रफ्तार से बीट हुए शून्य. उमेश खानावकर की तेज बॉल जिसे खेलने के लिए आपके पास सिर्फ 1 सेकंड होता है, और वो 1 सेकंड अगर आपने वेस्ट किया तो डॉट बॉल आएगी. कट किया पॉइंट पर, फील्डर है, ओ गुड फील्डिंग, मैच 1 रन. प्रशांत खानावकर जोश दिखाते हुए आक्रामक खिलाड़ी है. सिंगल, नाउ मैच ऑन फॉर टीम नावडे. स्कोर को जरूर बताएंगे. यह फील्डिंग अच्छी थी पॉइंट पर, रनों का अंतर थोड़ा कम होगा. 9 बॉल 29 आखिरी 3 बॉल. केतन कडू बड़ी उम्मीद है, बड़ा स्ट्रोक गैप में, लॉन्ग अप लॉन्ग ऑन के बीच में एक मुकम्मल, शायद यह गलती होगी. रोहन पाडेकर बैकअप देंगे और ये डेंजरस एंड पर रोहन पाडेकर के लिए थर्ड अंपायर रिव्यू फॉर रन आउट चेक किया जाएगा. टीवी अंपायर टू डायरेक्टर, 2 रन लेने की जरूरत नहीं थी. केतन कडू दौड़े थे और रोहन बैकफुट पे गए. 9 बॉल 29 चाहिए. इस बॉल पर कितने मिलेंगे, 8 बॉल पर कितने रहेंगे, लेकिन जिस तरीके से केतन कडू खेल रहे उनके लिए आज मुश्किल बन रहा है. नावडे के गेंदबाजों के खिलाफ उनका बल्ला शांत है, लेकिन तकदीर पाडेकर ने जो स्टार्ट दिया था पहली बॉल 6 रन वो कमाल का था. टीवी अंपायर चेक कर रहे, डिसीजन पेंडिंग. DRS रेफर बाय अंपायर जावेद फरीद सर. एक टीम के पास एक रिव्यू होता है, लेकिन अब अंपायर ने अपना रिव्यू इस्तेमाल किया है. अंपायर को जब डाउट लगता है तो वो रिव्यू ले सकते हैं फॉर रन आउट बीमर बॉल, और वो इस्तेमाल किया रिव्यू. 9 बॉल 29 चाहिए, 8 बॉल पर कितने बचेंगे. 1 रन तो पूरा हुआ, दूसरे के लिए पलटे थे रोहन पाडेकर और प्रशांत खानावकर ने डेंजरस एंड पर रन आउट किया था. जय हनुमान नावडे बॉलिंग करती हुई बल्लेबाजी ने चिंद्रन, इट्स आउट. OUT रोहन पाडेकर आउट होंगे, 1 मिलेगा टीम चिंद्रन को. 9 बॉल 29 थे, 8 बॉल 28 मैच ऑन फॉर टीम नावडे. रन आउट देखिए, बल्ला हवा में था, प्रशांत खानावकर ने तब तक गेंद बेल्ट पे लगा दी. बल्लेबाज आउट. टेनिस क्रिकेट 8 बॉल 28 भी चेस होते. केतन कडू को शांत रखा है कि आगे चल के वो बड़े स्ट्रोक मारेंगे. अब आखिरी ओवर में उनपे उम्मीद होगी, लेकिन नावडे के आखिरी गेंदबाज भी काफी इनफॉर्म है, वरद खानावकर. और हमेशा स्लॉग ओवर में वरद का इस्तेमाल होता है. न्यू बैटर अभिषेक कडू. अभिषेक कडू इस बार रूम बनाया था, व्हाइट बॉल दिशाहीन आउटसाइड दी ऑफ स्टंप. 8 बॉल 27 2 बॉल वेरी इंपॉर्टेंट 2 बॉल. उमेश खानावकर स्टेप आउट किए, फ्रंट फुट पे खेला आगे ऑन द राइज लॉन्ग ऑफ एक्स्ट्रा कवर. 1 मुकम्मल होंगे, केतन कडू आखिरी बॉल खेलेंगे. 7 बॉल चाहिए आप जीत के लिए 26. कहते 700 में जीत का जुनून हो तो हालत कहां मायने रखते है, और ये पैसा वसूल मुकाबला. दोनों टीम ने एक एक जीत हासिल की है और दूसरे जीत के लिए ये बड़ी फाइट चलती हुई. बॉलिंग ट्रैक पर उमेश खानावकर, पैसा वसूल गेंदबाजी. कोई बड़ा स्ट्रोक अभी तक नहीं आया, पहला स्ट्रोक लॉन्ग लेग फाइन लेग पर. फील्डर मौजूद है, दर्शक बन गए और गेंद सीमा पार 4 रनों के लिए. इसी के साथ आखिरी ओवर की अब शुरुआत होगी और 6 गेंदों पे रन बचे होंगे जीत के लिए मैच. 6 बॉल 22 रन और आखिरी ओवर लेके आएंगे वरद खानावकर. कहते ना थका हूं मैं, ना मैंने हिम्मत हारी, हौसले मेरे है बुलंद,
सफर है मेरा अब जारी, 6 बॉल 22 और केतन कडू आएंगे स्ट्राइक इन पर, क्या मुकाबला बनेगा। केतन कडू ने इससे पहले कई रन चेस किए, अभिषेक कडू आएंगे और उन्होंने भी काफी रन चेस किए, तो ये मुकाबला जबरदस्त होगा। 6 बॉल 22 रन, तलोजा एमआरडीसी की 2 ताकतवर टीमें, इससे पहले तलोजा एमआरडीसी की नीतलस टीम जीत चुकी है और अब भी तलोजा एमआरडीसी की 2 ताकतवर टीमों में ये मुकाबला होता हुआ। अभिषेक कडू स्ट्राइक पर, अगर यह मैच जिताते अभिषेक कडू तो आरसी ग्रुप इनकी ओर से 1000 इस बल्लेबाज को दिए जाएंगे। कीर्ति 11 रोशन साइड स्पोर्ट चिंद्रन, बजरंग मात्रे आज इस टीम के पैकर है, वल्लभ में भी उसी ने इस टीम को पैक किया था और सामने जय हनुमान नावड़े। 6 बॉल 22, वरद खानवकर तैयार है, डेथ ओवर स्लॉग ओवर, क्या डेथ ओवर में रन बनेंगे, क्या होगा टारगेट चेस या होगा डिफेंस, आने वाली 2 बॉल सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैच का रिजल्ट ओपन करेगी। आइए देखते मुकाबले का हश्र, मुकाबले का परिणाम। वरद खानवकर 2 बॉल वेरी इंपॉर्टेंट, अंपायर सिग्नल व्हाइट बॉल, दिशाहीन बॉल, 4 व्हाइट बॉल इस इनिंग में अभी तक, 6 बॉल 21, हाई वोल्टेज मैच, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, कई मत जाइए, ना चिंद्रन हारी ना नावड़े हारी, मुकाबला बैलेंस है। राउंड विकेट, स्क्वायर कट करना था, दूर थे जावेद परित सर मुड़ते हुए, वंस अगेन व्हाइट बॉल, प्रेशर ऑन द बॉलर, ऑफ स्टंप पे पिचिंग लाइन रखी है, कोशिश है कि बल्लेबाज छेड़खानी करे और ये गेम प्लानिंग काफी बढ़िया। वरद खानवकर मास्टरमाइंड, चतुर बॉलर, 6 बॉल 20, अब मुकाबला बनेगा 20 रन। यॉकर बॉल, केतन कडू एक ही लेंगे, 5 पे 19, उन्हें चेस करने वो कॉन्फिडेंस उनके अंदर है, अभी तक काफी गेंदे डॉट खेली केतन ने, लेकिन अब मुकाबला बना सकते हैं। 5 बॉल 19 रन, कहते जीत के खातिर जुनून चाहिए, आत्मविश्वास रगों में खूब चाहिए, यह आसमां भी आएगा जमीन पे, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। आइए मुकाबले का हश्र देखेंगे, 5 बॉल 19 रन, 1 बॉल पे 3 आए, 2 व्हाइट बॉल 1 सिंगल, अब मुकाबला रोमांचक बनेगा, आने वाली 2 गेंदे सबसे इंपॉर्टेंट। 5 पे 19, जावेद परिसर मुड़ गए, 3 व्हाइट बॉल, 1 बॉल पे 4 रन तो आ गए, 1 सिंगल, 3 व्हाइट बॉल, व्हाइट बॉल के लिए रिव्यू नहीं है, रायगढ़ ग्रामीण टेनिस क्रिकेट के नियमानुसार व्हाइट बॉल के लिए रिव्यू नहीं होगा, अगर अंपायर को डाउट है तो। 1 बॉल 4 आए, 5 बॉल 18, 3 6, केतन कडू ऑन स्ट्राइक, संकट मोचक बैटर फॉर चिंद्रन, 4 व्हाइट बॉल, 10 गेंदों की लंबी ओवर, प्रेशर ऑन द बॉलर, 10 बॉल इन दिस ओवर, ये 6 मिनट की ओवर होगी आज सबसे लंबी, 5 बॉल 17, कितना प्रेशर होता है टेनिस क्रिकेट में, ये होता है टेनिस क्रिकेट, कहते हौसले के तरकीश में वो तीर जिंदा रख, हार के बाद भी जीत की उम्मीद जिंदा रख। 5 बॉल 17, 5 आ गए, 1 बॉल पे 4 व्हाइट बॉल 1 सिंगल, केतन कडू वन ऑफ द फैबुलस बैट्समैन इन तलोजा एमआईडीसी, राउंड विकेट, 6 व्हाइट बॉल, 5 व्हाइट बॉल, इनक्रेडिबल, खराब गेंदबाजी, अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट, यही वरद खानवकर जिन्होंने फाइनल में वल्लभ नाइट टूर्नामेंट्स में मुरबी टीम को हराने में सबसे अहम भूमिका निभाई थी और ये नावड़े चैंपियन बने थे और इसी गेंदबाज ने रन फाइनल में डिफेंस किए थे, यंगस्टर वरद खानवकर आज इनको थोड़ा मुश्किल बन रहा है, खराब गेंदबाजी, 5 व्हाइट बॉल, 1 बॉल पे 6 रन तो आ गए, 1 बॉल पे पहला छक्का मिल गया चिंद्रन को, अब 5 बॉल 16, व्हाट अ मैच, तलोजा एमआरडीसी की ताकतवर टीम। अगली बॉल, ओ परफेक्ट यॉर्कर, बल्ले के बीचों बीच चढ़ में गेंद फेंकी है, जबरदस्त गेंदबाजी, रफ्तार से बीट किया, गिरफ्तार किया केतन कडू, मुश्किल बना 0, अब मुकाबला बनेगा। कहते जिस घोड़े को जब तक चाबुक ना पड़े वो रेस नहीं जीतता, 4 बॉल 16, 4 चौके, 6 व्हाइट बॉल, 11 गेंदों की
सबसे लंबी ओवर, ये रिकॉर्ड बना गावदेवी ट्रॉफी में, दुनिया में सबसे लंबी ओवर फेंकी थी कर्टली अमरुट, 17 बॉल फेंकी थी इंटरनेशनल में, 12 मिनट की ओवर थी उनकी, कर्टली अमरुट फ्रॉम वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फेंकी थी ओवर। अब बिग स्ट्रोक खेलने की कोशिश, मिस टाइमिंग, सो केतन कडू स्ट्राइक रोटेट करना चाहेंगे, महेश मात्रे का थ्रो परफेक्ट एक्यूरेट थ्रो, और यह मौका नहीं दिया केतन को, नॉन स्ट्राइक एंड पर रुका दिया। अभिषेक कडू को मौका, टारगेट जरूर बताएंगे, 3 बॉल 14, सबसे इंपॉर्टेंट गेंद अब होगी, 2 रन तो कंपलसरी चाहिए चिंद्रन को, 3 बॉल 14, व्हाट अ मैच, ना मुहूर्त देखते ना सूरत देखते, अभिषेक कडू टीम की जरूरत देखते, वरद बनन अभिषेक, बिग स्ट्रोक खेलना था, 2 तो कंपलसरी चाहिए, केतन कडू का रन अप, फील्डर फंबल हुए, 1 और ये 2 मक्कमल, 3 के लिए पलटेंगे जरूर, लेकिन ये क्रॉसिंग पर ध्यान दिया जाएगा, रायगढ़ ग्रामीण टेनिस क्रिकेट के नियम है, ऐसी क्रॉसिंग नहीं हो सकती, अभिषेक कडू को फिनिश करना होगा, 2 बॉल 12, 2 मिलेंगे आपको, व्हाट अ मैच, 2 बॉल 26, यह होता है मुकाबला, गुलाबी ठंडी में गरम गरम मुकाबला, पैसा वसूल मुकाबला, क्या अभिषेक बनेंगे गेम चेंजर, अगर अभिषेक मैच फिनिश करते तो आरसी ग्रुप के द्वारा 2000 का इनाम दिया जाएगा, व्हाट अ मैच, जिंदगी बनाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है, और ये रात का ग्रामीण टेनिस बॉल खेले, 2 बॉल पे चाहिए 12 विकेटों पर खिलाड़ी की अगर छाव यहां पर आती है तो मुश्किल बनेगा, अंपायर वही बता रहे कि विकेट पर आपकी परछाई नहीं आनी चाहिए, और फील्डर को सेट कर रहे, 2 बॉल 12, अभिषेक कडू अपनी ताकत का परिचय तब देना जब कोई आपको हल्के मिले, व्हाट अ मैच, पैसा वसूल मुकाबला, उमेश कानाको और प्रशांत कानाको ने कई डॉट गेंदे फेंकी लेकिन उसके बावजूद पे 2 पे 12 बचे, 48 चेस करने थे, 12 का रन रेट था लेकिन अब 2 पे 12 बचे, सबसे इंपॉर्टेंट गेंद जिसपे पता चलेगा कि नावडे रहेगी या चिंद्रन रहेगी मुकाबले में, 2 पे 12, प्रेशर ऑन द बैटर, प्रेशर ऑन द बॉलर, प्रेशर दर्शकों पर भी है, प्रेशर खिलाड़ियों पर भी है, और यह टेनिस क्रिकेट का महा मुकाबला, सुपर मुकाबला, 2 पे 12 चाहिए, वरद कानवकर सबसे इंपॉर्टेंट बॉल, बिग स्ट्रोक, बॉल हवा में, स्टैंड एंड डिस्पैच रन, व्हाट अ मैच, स्टैंड एंड डिलीवर, 1 बॉल 6 चाहिए, कीर्ति लिवर रोशन साइज फोर्ट चिंद्रन, इतने आसानी से मुकाबला नहीं छोड़ेगी, वरद खानवकर ने 5 वाइट बॉल डाले उसके बाद एक छक्का भी दिया और अब निराश किया इन्होंने, क्या मुकाबला बनाए, कहते किसी को कमजोर ना समझना क्योंकि 5 रुपए का पेन 5 करोड़ का चेक साइन करता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन क्रिकेट, और ये कमाल का मुकाबला, 1 बॉल 6 रन, ये मुकाबला पसंद आए तो 2 जोरदार तालियां, व्हाट अ मैच, ये होता है मुकाबला, तलोजा एमआरडीसी की 2 ताकतवर टीमें और ये पैसा वसूल मुकाबला, अभिषेक कडू कमाल की पारी, 1 बॉल 6, अगर ये 6 आता है तो आरसी ग्रुप के द्वारा 3000 अभिषेक को मिलेंगे, चिंद्रन या नावडे, क्या मुकाबला बनाए, 1:44 लगभग 2 बजने आए, जरा जोरदार तालियां मुकाबले के लिए, तलोजा की 2 ताकतवर टीमें, 1 बॉल 6, ओ मिस टाइमिंग, आखिरी क्षणों में यह मैच जीता है जय हनुमान नावडे, लेकिन टीम चिंद्रन ने क्या कमाल की कोशिश की, चिंद्रन भले ही हारी लेकिन एक ताकतवर मुकाबला दिखाया और इस मुकाबले में जीत हासिल की है जय हनुमान नावडे टीम ने, मायरा 11 जयहनुमान नावडे संघाचे पॅकर प्रीतम मात्रे मोह यांना विनंती असेल आपण मंचावरती यायचे, चला संघाने टॉस साठी या आणि तदनंतर सन्माननीय संकेतजी मात्रे नावडे यांना देखील आपण पाहतोय, तर मोह कोलीवाडा आणि त्यांच्या विरोधात सामना तुम्ही पाहाल,